कोटा शहर के नयापुरा स्थित कलेक्ट्रेट पर माली सैनी कुशवाह मौर्य समाज ने रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन किया है। डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने बताया कि जयपुर में आरक्षण की मांग को लेकर 16 सितंबर को आंदोलन किया था, जिसमें 84 युवा समाज बंधुओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवा साथियों को रिहा करने, दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। भाई राज्य में हमारे मुखिया भी गहलोत साहब ही हैं और वही भी हमारे समाज से आते हैं। जो जयपुर में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुए उसमें 84 लोग जो हमारे गिरफ्तार हुए हैं, हमारी प्रमुख मांग तो ये है कि उनको गिरफ्तार किया लोगों को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया जाए और उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। और सैनी समाज की 11 सूत्री जो मांग पत्र उनको दिया हुआ है और जो जयपुर में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की सभी मांगों को सरकार माने, क्योंकि हम इसलिए मांग कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक अपने परिवार के मुखिया से मांग रहे हैं। माने मुझे आशा है, उम्मीद है कि लोक जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री हमारी बात को सुनेंगे और हमारे लोगों को रिहा करेंगे, जो उनके भी लोग। आज आपने क्या केस को लेकर? आज हमने मौन जुलूस निकाला है और मौन जुलूस निकाल के हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। मौन जुलूस का उद्देश्य हमारा ये था कि कोटा के सैनी समाज, हाड़ोती का सैनी समाज, आज माली समाज के जितने भी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मौन जुलूस के रूप में। ये एक मौन जुलूस नहीं है, इस मौन के पीछे एक बहुत बड़ी एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। जिस तरह हमारे साथियों को अजमेर रोड पर बेरहमी से रात को 84 जने के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे साथियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि माली समाज के मौन को वो इस तरह से न समझे।